नमस्कार, जय गणेश। आप सबकी कुशलता चाहते हैं। आज का प्रेडिक्शन है मेष राशि वाले जातकों के लिए। पीपल हु आर बोर्न इन एरीज, जिनका जन्म का सूर्य मेष राशि में है या चंद्र मेष राशि में है, ये जातकों के लिए ये प्रेडिक्शन है। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में है मेष राशि के अंदर, तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला है। आइए जानते हैं जुलाई मंथ में आपके लिए क्या है। सबसे पहले बात करेंगे राशि के अधिपति ग्रह मंगल ग्रह की ट्रांजिट से। तो मंगल जो 26 जून से आपकी राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, ये चलेंगे मेष राशि के अंदर 10 अगस्त तक, यानी कि जुलाई पूरा आपकी राशि के अंदर है, जो कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि करने वाले हैं, आत्मविश्वास पे वृद्धि करने वाले हैं, आपके हेल्थ को इम्प्रूव करने वाले हैं, और रिलेशन में भी खास करके अपने इन लॉज के साथ, क्योंकि मंगल अष्टम स्थान में अपने घर के अंदर देखेंगे, तो ये ट्रांजिट अच्छा है। लेकिन जो भी जातक विवाहित है, इनको थोड़ा सा डिस्प्यूट रिलेशन में पार्टनर की ओर से आ सकता है, तो यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना होगा। रिलेशनशिप में जो भी जातक मैरिड हैं, उनको खास केयर करना होगा। मंगल के बाद बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के ट्रांजिट के बारे में। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो मिथुन राशि के अंदर है 16 जुलाई तक जो सूर्य हैं आपके पराक्रम भाव में हैं, साहस भुवन के अंदर हैं, आपको नए साहस करवाने वाले हैं। और बदलने के बाद जो सूर्य हैं चलेंगे आपके सुख स्थान के अंदर, चौथे स्थान के अंदर, आपके छाती के ऊपर चलेंगे सुख स्थान जो है वो। तो यहाँ पर सूर्य का फल शुभ नहीं है, खास करके जो भी जातक हार्ट के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, उनको अपनी हेल्थ के बारे में ज़्यादा केयर करना होगा। और मकान वाहन प्रॉपर्टी डीलिंग लेना बेचना कुछ भी करना एडवाइजेबल नहीं होगा ये समय के दरमियान। कुछ भी करना है तो 17 अगस्त के बाद करें, जब सूर्य कर्क राशि में से निकल जाते हैं। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर के बारे में खास बात कर रहे हैं। और नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो और ग्रहों की ट्रांजिट में पहले तो सूर्य का ही फिनिश कर लेते हैं। तो सूर्य ग्रह का जो ट्रांजिट होता है कर्क राशि के अंदर, इसको बोलेंगे कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति से एग्जैक्ट 6 महीने के बाद आती है मकर संक्रांति। दोनों अब यहाँ से जो सूर्य का भ्रमण है वो दक्षिणायन की ओर होगा। तो दक्षिणायन जो है वो यहाँ पर सूर्य थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, सूर्य की जो रेस है वो थोड़ा हो जाता है, जिसके कारण जो सूर्य का प्रभाव पृथ्वी के ऊपर कम होगा, और जिसके कारण क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में जो है वो ठंडी बढ़ेगी, धीरे धीरे कोल्डनेस बढ़ेगी एटमॉस्फेयर के अंदर। और जब सूर्य फिर 6 महीने के बाद उत्तरायण में जाएंगे, तब जाके फिर से गर्मी बढ़ना चालू होगी। अब क्या होगा, ये कर्क संक्रांति है, यहाँ से दक्षिणायन स्टार्ट होता है और जो है वो कोल्डनेस चालू होती है, ठंडी चालू होती है। तो सूर्य का जो भ्रमण है वो बदलने के बाद 16 जुलाई से 17 अगस्त तक आपके लिए शुभ नहीं है। ऑल्सो रिलेशन में माता पिता, जॉब में अपर लेवल और विवाहित जो जातक हैं, इनको अपने इन लॉस ये सब के साथ केयर करना होगा। प्रिडिक्शन में बात करेंगे वेरी इम्पोर्टेंट बुध ग्रह की ट्रांजिट के बारे में। बिजनेस, कॉमर्स, बैंकिंग, कंसल्टेंसी इत्यादि के जो मालिक हैं वो बुध हैं, और बहुत खुशी की बात है कि जो बुध ग्रह का भ्रमण है इस मंथ के अंदर 4 राशि चेंज करते हैं। तो 2 तारीख तक जो बुध वृषभ राशि के अंदर हैं, ये 2 से 16 जुलाई तक मिथुन राशि में चलेंगे, आपके साहस भुवन में चलेंगे, पराक्रम स्थान में चलेंगे। बुध का ये अपना घर है, और बदलने के बाद बुध चलेंगे चौथे स्थान के अंदर, कर्क राशि के अंदर भी सुख स्थान के अंदर बुध का फल शुभ है।
ओनली एंड ओनली बुध इज नॉट गिविंग गुड रिजल्ट्स इन 8th एंड 12th हाउस, आठवें और बारहवें स्थान में जो बुध है इसका फल शुभ नहीं है। तो बुध चौथे स्थान के अंदर भी महाधनवान योग करते हैं, तो 16 जुलाई तक, 2 से 16 जुलाई तक जो बुध चलेंगे कर्क राशि के अंदर चलेंगे, 2 से 16 तक जो हैं वो मिथुन में चलेंगे और 16 जुलाई से 31 जुलाई तक जो हैं वो कर्क राशि में चलेंगे और 31 जुलाई से फिर सिंह राशि में भ्रमण स्टार्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह चार ट्रांजिट हो जाती हैं बुध की, इतना फास्ट जो बुध का भ्रमण है बहुत भाग्य से होता है, बहुत कम होता है। तो ये जो ट्रांजिट है आपके बिजनेस, करियर, रिलेशन, ब्रदर सिस्टर्स, नेबर्स, माता, आपके संतान, सब जगह पे आपके रिलेशन में इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं और खुशियाँ बढ़ाने वाले हैं आपकी। तो बुध का ट्रांजिट आपके लिए बहुत शुभ है, साहस में वृद्धि करने वाला है। गुरु आपके लिए 12वें स्थान में चल रहे हैं, मीन राशि के अंदर धार्मिक कार्य में, शुभ कार्य में आपको खर्च करवाएंगे। शुक्र जो कि 18 जून से वृषभ राशि में भ्रमण शुरू कर चुके हैं, ये 13 जुलाई तक वृषभ में हैं, इसके बाद शुक्र मिथुन में चलेंगे। तो दोनों ट्रांजिट शुक्र का अच्छा है आपके लिए, परिवार में खुशियाँ बढ़ाएंगे, नए साहस करवाएंगे, न्यू वेंचर से आपको लाभ रहेगा, स्मॉल डिस्टेंस यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग से भी आपको लाभ रहेगा। महत्वपूर्ण एक ट्रांजिट और रही हो रही है इस मंथ के अंदर, शनि ग्रह जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं आपके, जो लाभस्थान में शनि चल रहे हैं कुंभ राशि में, ये रिट्रोगेड होकर, वक्री होकर शनि चलेंगे मकर राशि के अंदर 12 जुलाई को, 12 जुलाई को शनि वंस अगेन आपके 10वें स्थान में आने वाले हैं। तो जो कुछ भी आपका कार्य बिजनेस के रिगार्डिंग रह गया था उसको ये फिर से आपको करवाएंगे और बिजनेस और करियर के डेवलपमेंट के लिए ये आपके लिए एक्सट्रीमली शुभ समय माना जाएगा। हालांकि जो शनि 10वें स्थान में चलेंगे जिसका इम्पैक्ट क्या होगा कि आपका सेविंग कम होगा, बचत कम होगी, खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे, मकान वाहन सुख जो है मकान के अंदर कुछ खर्च आ सकता है, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर के कारण कुछ टेंशन और तनाव स्ट्रेस आपको रह सकता है। और ये जो ट्रांजिट है 17 जनवरी 2023 तक है शनि का, तो शनि की दृष्टि शुभ नहीं होती है फ्रेंड्स, इसके कारण थोड़ा सा रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ भी आपको तनाव महसूस हो सकता है। तो शनि ग्रह के अशुभत्व के निवारण के लिए आपको क्या करना है, 12 जुलाई के बाद आपको मैक्सिमम हनुमान जी की उपासना करनी है और गरीब लोगों में आप तेल का दान कर सकते हैं, खाने का जो तेल है वो आप दान कर सकते हैं। तो तेल कौन सा दान करना है तो डिपेंड्स अपॉन योर ऑन योर एरिया, आपके एरिया में कौन सा तेल चलता है। जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर सिंह तेल का चलन ज़्यादा है, नॉर्थ के अंदर जो है वो सरसों का तेल ज़्यादा चलता है, साउथ के अंदर जो कोपरा का तेल आता है वो खाने में यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो आप कौन से एरिया के अंदर हैं और कहाँ वहाँ पर क्या चलन है उस हिसाब से आप तेल का दान कर सकते हैं। अब बात करेंगे राहु और केतु, राहु आपकी राशि के अंदर हैं और केतु आपके 7th हाउस में है, तो राहु थोड़ा सा माइंड आपका विम्जिकल करने वाला है और केतु 7th हाउस में है जो कि पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस या तनाव आपको क्रिएट करवा सकते हैं। बात करेंगे अब कौन कौन से जो डेट्स हैं, 4th, 8th, 12th चंद्र जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चंद्र का सिचुएशन सबसे पहले तो 30 जून और 1 और 2 जुलाई जिसमें चंद्र चलेंगे कर्क राशि के अंदर, तो चौथे स्थान के चंद्र अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको नहीं लेना है। इसके बाद डेट आपको केयर करना होगा 9, 10, 11 जिसमें चंद्र चलेंगे वृश्चिक राशि के अंदर, तो वृश्चिक के चंद्र राशि से 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं, 8वें चंद्र में भी आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है। और इसके बाद डेट केयर करना है 18, 19 और 20 जिसमें चंद्र चलेंगे मीन राशि में, तो मीन के चंद्र भी राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं
बारहवें चंद्र के अंदर भी आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइफ का जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। और इसके बाद फिर से चौथा चंद्र आएगा मंथ के एंड के अंदर 28, 29 और 30। वंस अगेन कर्क के चंद्र आने वाले हैं, तो कर्क के चंद्र में भी आपको कोई भी करियर के रिगार्डिंग डिसीजन या प्रॉपर्टी रिगार्डिंग डिसीजन टेंशन वाले सिचुएशन में आपको नहीं लेना है। इस प्रेडिक्षन को आप अपने कोई मित्र हैं मेष राशि वाले या जिनका भी जन्म हुआ है 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में, जिनके जन्म के सूर्य भी मेष राशि के अंदर है, ये जातक को भी ये प्रेडिक्शन आप जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक और नए प्रेडिक्शन में। जल्दी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी के जितने भी प्रेडिक्शन चैनल के ऊपर अपलोड होते हैं इसकी आपको तुरंत जानकारी मिले। नमस्कार।